गुजरात में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन ने महासम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल शामिल होने पहुंचे। सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश महामंत्री ब्रजेश शुक्ला, मुरादाबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भारत भूषण गुप्ता, EPCH वाइस चेयरमैन डॉक्टर नीरज खन्ना रहे। रविवार को उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का व्यापारी महासम्मेलन दिल्ली रोड स्थित राही होटल में आयोजित हुआ, जिसमें जिले के व्यापारी शामिल हुए। सभी व्यापारियों ने आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का भव्य स्वागत किया। सम्मेलन की अध्यक्षता नगर विधायक रितेश गुप्ता एवं संचालन उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन मुरादाबाद के जिला अध्यक्ष राजेश रस्तोगी एवं कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में महापौर विनोद अग्रवाल रहे। आबकारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संबोधन में व्यापारियों को राजनीति में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में व्यापारी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। पहले सरकारों में व्यापारी सुरक्षित नहीं था, उनके साथ लूटपाट की घटनाएं अंजाम होती रहती थी, लेकिन जब से प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, जब से गुंडों का राज खत्म हो चुका है। अभी आदरणीय श्री नितिन अग्रवाल जी ने आपको 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 के बाद के उत्तर प्रदेश के बारे में बताया। साथियों, इसमें कोई शक नहीं है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में गुंडों का राज था, माफिया राज था, भ्रष्टाचार का बोलबाला था, वर्ग विशेष का आतंक भी था। लेकिन 2017 में जब आप लोगों ने उत्तर प्रदेश की कमान भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय योगी जी को सौंपी तो उत्तर प्रदेश का स्वरूप बदल गया। सबसे पहले व्यापारियों को सुरक्षा देने का काम किए, जितने अपराधी थे या तो वो जेल में चले गए या रेल में चले गए या खुदा को क्या रहा हो। एक माहौल हमें सुरक्षा का यहां पे मिला, व्यापारियों को सुरक्षा का माहौल मिला, हमारे प्रदेश की जनता को सुरक्षा का माहौल मिला। अभी आदरणीय मंत्री ने बहुत डिटेल से हमारा मार्गदर्शन किया है, अभी हमने उनको सुना है। मैं आदरणीय मंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि व्यापारियों को सुरक्षा का माहौल उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया है। आप सरकार में मंत्री हैं, व्यापारियों का नेतृत्व करते हैं, मैं विधायक हूं, मैं भी पेशे से व्यापारी हूं, सराफे का मेरा व्यवसाय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा के साथ साथ व्यापारियों को व्यापार करने में कोई यदि दिक्कत आती है, चाहे वो सरकारी अधिकारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, कोई बाबू हो, तो उसमें भी उनको पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि यही वो वर्ग है जो सबसे अधिक टैक्स देता है, टैक्स देता है तभी हमारी सरकारें चलती है, चाहे प्रदेश की हो चाहे केंद्र की हो। तो सभी व्यापारियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं धन्यवाद दूंगा अनिल रमेश जी का, क्योंकि व्यापारियों को दुकान से उठाने का काम ही इतना जटिल है, इतना मुश्किल है। और आज जिस तरीके से महानगर के मुरादाबाद के सभी व्यापार संगठन, व्यापार मंडल और सभी एसोसिएशन के अध्यक्षों को और साथ ही साथ उनकी कमेटियों को यहाँ आमंत्रित करके एक छत के नीचे बुला के उन्होंने, मैं धन्यवाद दूंगा कि आज सभी लोगों से मेरा परिचय भी हुआ और मुझे बहुत खुशी भी है कि मुझे काफी समय बाद मुरादाबाद आने का मौका भी। हम व्यापारी लोग सरकार से क्या चाहते हैं, हमें केवल सुरक्षा चाहिए सरकार से। और मुझे खुशी है कि आज उत्तर प्रदेश में जो आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, भले ही कोई नाराजगी व्यापारियों की, क्योंकि जब मैं व्यापारियों के बीच में जाता हूं, व्यापारियों से बात करता हूं, छोटी मोटी समस्याएं जरूर व्यापारी की रहती हैं, GST की बात आती है और भी छोटे मुद्दे, छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, वो मुद्दों को उठाया जाता है, थोड़ी बहुत शिकायतें भी होती हैं कि सरकार है, हमारी सरकार है, हमारी सरकार में हमारी ये मदद नहीं हो पा रही है। लेकिन कम से कम
उत्तर प्रदेश में रहने वाला व्यापारी इस बात से तो संतुष्ट होगा या मेरी बात से सहमत होगा कि प्रदेश सरकार ने चाहे कुछ किया हो या न किया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को सुरक्षा का माहौल देने का अगर किसी ने काम किया है तो वो हमारी सरकार से ही काम किया। मैं अपने नेतृत्व को इसलिए भी बधाई दूंगा, उनका आभार व्यक्त करूंगा। कहा जाता था पहले जमाने में जब विपक्ष की सरकारें होती थी 25-30-40 साल पहले अगर हम चले जाएं, तो व्यापारियों को अगर राजनीतिक कोई पद दे दिया जाता था बहुत मुश्किल से और बड़ा तो एक कोषाध्यक्ष बना दिया जाता था, उससे ऊपर राजनीति में पद नहीं मिलता था। और हम व्यापारी लोग भाई गौशाला भी चलाते हैं, धर्मशाला भी चलाते हैं, मंदिर की भी पूजा अर्चना करते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन जब राजनीति में आगे आने की बात होती थी तो राजनीतिक दल हम लोग को केवल कोषाध्यक्ष के पद पर बिठा देते थे। लेकिन आज मैं अपने पार्टी के नेतृत्व को धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने कम से कम प्रदेश के व्यापारियों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया, राजनीतिक पदों पर अगर किसी ने बैठाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निगम नगर निकाय के चुनावों को ही देख लीजिए, तो कम से कम ये गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 70% से ज्यादा भागीदारी टिकटों में अगर किसी को दी तो व्यापारी समाज को देने का काम किया प्रदेश में। और चाहे वो नगर निगम के हमारे मेयर हो, चाहे नगर पालिका के चेयरमैन हो, नगर पंचायतों के चेयरमैन हो, और साथ ही साथ सभासदों के भी टिकटों में अगर दलिता की दी तो व्यापारी समाज को देने का काम किया। मैं इसके लिए अपने नेतृत्व को बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ।